ये बनने जा रहा है ग्रीन चिकन की प्रिपरेशन हो रही है मैरिनेशन के लिए। चिकन धो के अच्छे से वॉश करके पानी ड्रेन करके इसको ले लिया गया। इसमें 2 चम्मच दही, 2 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट और यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच धनिया का पाउडर। हल्दी मम्मी डाल चुकी हैं पहले से 1/2 चम्मच और क्या डाली, गरम मसाला भी डाल दी है 1/2 छोटी चम्मच। और यहाँ पे ग्रीन मसाला जो बनने जा रहा है वो उसमें यहाँ पे ग्राइंड कर चुका, और हम मेरा रो रहा है बेटू, धनिया है, हरी मिर्च है, उसको पीस लिया गया और ये जाएगा इसमें मैरिनेशन। ग्रीन चिकन में ना दही जो है ना वो कम जाता है, दही मलाई आप उसमें कम डाल सकते हैं, मतलब डालना होता कम। और ये जाएगा इसमें पालक की प्यूरी में, ठीक है। तो अभी ये होगा, ये इतना मैरिनेट करके इसको हम लोग रख देंगे लगभग आधे घंटे के लिए। टाइम है तो आपके पास 1 घंटा रख दें, नहीं तो आधा घंटा 15-20 मिनट तो जरूरी है रखना, इसको मैरिनेट करके रख दिया जाएगा। तो आज पता है क्या हुआ, आज मेरे बचपन की नहीं कॉलेज की मेरी जो ख्वाहिश थी आज पूरी हो गई। और क्या था ये ऊपर, ये देखिए मैंने यहाँ पे अभी ये छिदवाया है अपना कान, ये यहाँ पे दोनों साइड में, और बहुत ज़्यादा दर्द नहीं हुआ छेदते टाइम पे, और लेकिन अभी हल्का हल्का सा तो लगेगा ही, अब कान में छेद हो गया तो लगेगा ही। और ये मैं पीने जा रही हूँ 1 ग्लास भर के पाल, मम्मी पालक जूस दे रही है, डॉक्टर तो मना किया हमको प्रोटीन की चीज़ खाने को, हाँ यही डाल देंगे, नहीं पीऊँगी मैं। मेरे अभी मैं अच्छा कैम मोबाइल सेट कर दूँ पहले ऐसे, ओके। मेरी होलिया आप देख सकते हैं अच्छी नहीं दिख रही है, क्योंकि मैं गई थी ना डॉक्टर, मेरी दवा चल रही है, होम्योपैथी के डॉक्टर है, बहुत अच्छी दवा देते हैं। बॉडी में मैंने बताया था ना स्वेलिंग आ रही है, तो स्वेलिंग क्यों आ रही है उस रीज़न से डॉक्टर 1 हफ्ते दवा दिए, फिर नहीं कुछ समझ आया तो उन्होंने बोला कि आप मतलब जो जो उनको पूछना था पूछा उन्होंने, फिर उन्होंने बोला कि आपकी किडनी की टेस्ट होगा, मेरे किडनी का टेस्ट हो, KFT का उन्होंने जांच लिख दिया है, तो वो मुझे कराना। अभी 1 हफ्ते की दवा उन्होंने दिया था, तो अब मैं जाऊंगी मंगल या बुध को, ट्यूजडे या वेडनेसडे में जाना है मुझे डॉक्टर का, तो उस 1 दिन पहले ही टेस्ट कराएंगे ताकि उसी टाइम लेटेस्ट रिपोर्ट लेके जाऊँ। और अभी आफ्ताब संडे आफ्ताब की तो छुट्टी है, लेकिन वो गए हैं टेढ़ी पुलिया मतलब सर्विस सेंटर गए हैं गाड़ी सही कराने। गाड़ी उस दिन हम लोग बहराइच चले गए थे, 4 घंटा मतलब गाड़ी से ही, तो वो गर्म हो गई गाड़ी, क्या हो गया कुछ दिक्कत हो गई, तो उसमें बहुत धुआं निकल रहा है, तो उसके लिए लेके गए हैं। और वो गाड़ी नेक्स्ट डे देंगे जो है, वो बोल रहे हैं गाड़ी नेक्स्ट डे मिलेगी, बहुत काम हो गया गाड़ी में, तो वो वहाँ गए हैं 1-2 बजे तक आएंगे, 2 बजे तक की, तो गाड़ी कल मिलेगी। अब कल वो ऑफिस कैसे जाएंगे, सैटरडे में तो कन्वेंस किसी के साथ में ही गए थे और अभी का पता नहीं, कल भी ऐसे ही जाएंगे और मैं दिख नहीं रही हूँ। और आज आ रही है अम्मी आ रही हैं, तो बनने जा रहा है, मैंने अभी आपको दिखाया ना ग्रीन चिकन बना रही हूँ, पालक ग्रीन मतलब टोटली ग्रीन चिकन, या आप इसको ग्रीन चिकन बोल सकते हैं, पालक ग्रीन चिकन बोल सकते हैं, जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपरेशन तो दिखा दिया, तो साथ में आप पालक, मैं थोड़ा सा सेटिंग सही करती हूँ, मैरिनेशन तो कर ही दिया था उस पे चिकन की, और यहाँ पे पालक को प्यूरी बना लिया गया है। तो ये 1/2 kg पालक था, उसमें से सब साफ ऑफ करते निकला 300 ग्राम निकला, बाकी का सड़ा फिका गया, तो उसको हमें बॉयल करना है, बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना, बॉयल करके इतना ही मतलब पालक भी पानी छोड़ता है, उस हिसाब से पानी डालना है, बॉयल करना है, बॉयल करके ठंडा करके उसका इस तरह से प्यूरी बना लेना है, बाकी जो पानी हो उसको रख ले। और क्योंकि एक्स्ट्रा पानी का प्योर हेल्दी टाइप से बनाना है, तो आप उसमें नॉर्मल पानी ना डालें, यही पानी डालें, तो वो सारा प्रिपरेशन हो गया है। और अब हम कहाँ जा रहे हैं, अम्मी ने बोला था 12 बजे तक आ जाएंगे, अभी आएंगे। तो प्याज यहाँ पे 4 बड़े साइज की प्याज लिया, अगर मीडियम आप साइज ले रहे हैं तो डबल ले ले, मैं 4 है तो 8 ले रहे हैं, 9 ले ले, 1 किलो चिकन है तो उसपे। अब इसे हम आप इसमें प्याज 2 तरह से आप डाल सकते हैं, आप चाहे तो इसका प्यूरी बना करके मतलब पेस्ट, अनियन पेस्ट करके आप डाल सकते हैं, मुझे नहीं पसंद आता कोई भी चीज़ पेस्ट मतलब प्याज का इस तरह से, उसकी ग्रेवी उसकी टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने फेवरेट हैंडी चॉपर में उसको बारीक पेस्ट बना, पेस्ट टाइप का ही हो जाता है बट टेस्ट में चेंज आ जाता है। अगर जिसे ऐसे नहीं करना वो आप फिर से ग्राइंड करिए और वो कर लीजिए, वो भी ठीक है, और जिसे मेरी तरह नहीं पसंद है तो ऐसे बारीक चॉप एकदम फाइन चॉप करना है हमें, ठीक है। और कान में ना अभी थोड़ा थोड़ा सा दर्द है, तो सुबह में इसको क्या करेंगे कि ओस तो अब पड़ने ही लगी है, तो बाहर मेरे पौधों पे ओट्स ओस तो ओट्स
उस पड़ी ही रहेगी, तो मैं क्या करूंगी ना कि मैं उसको थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी। और मम्मी कह रही है फिर 1-2 दिन बीत जाएगा तो उस पर गरम तेल या मसाला जो भूनते हैं हम, क्या हो गया, जो मसाला भूनते हैं वो मसाला जाएगा, जाएगा नहीं मतलब मसाला हल्का सा, जितना आप बर्दाश्त कर सके उतना मसाला हल्का हल्का सा आप लगा लेना है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जितना दर्द ना होना चाहिए था उतना नहीं हुआ, तो ठीक है। तो हम इसको चॉप कर लेंगे और उसके बाद आलू की। तो तेल गरम हो गया, मैंने 3 छोटे तेज पत्ता डाल दिया है। अब तड़के में जो भी खड़े मसाले हैं वो चले जाएंगे, तो मैं यहाँ पे छोटी इलायची, जब भी छोटी इलायची डालें किसी भी चीज़ में तो इस तरह से मुंह खोल के डालें तो भी उसका फ्लेवर बाहर आएगा। 2 लौंग, इसकी क्वांटिटी आप अपना बढ़ा घटा सकते हैं, अरे ठीक है। और दालचीनी का टुकड़ा एक, वो डाल दिया। अब इसके अंदर चाहे फ्लेम मैंने धीमा कर दिया, बहुत अच्छे से तेल गर्म हो जाए तभी डालना है, नहीं तो वो सरसों की ऑयल में, ऑयल मैंने यहाँ पे बड़े चम्मच से 5 बड़े चम्मच लिया है, ठीक है। अगर चिकन फैटी है तो आप तेल कम कर सकते हैं, फैटी नहीं है तो बढ़ा लें, जो आज आया वो फैटी नहीं है, बेचारा शाकाहारी होगा। वो हो गया, तो हम इसमें डायरेक्ट प्याज डाल देंगे। ये देखिए मैंने कितना फाइन चॉप किया है, बिल्कुल आराम से डालो। प्याज डालने के बाद में हम इसको थोड़ा ब्राउन करेंगे, मतलब लाइट ब्राउन वो करेंगे, बिल्कुल ब्राउन नहीं करना है कि वो एकदम काला काला हो जाए, वैसा नहीं करना, डार्क ब्राउन मीन्स नहीं करना है, हमें लाइट ब्राउन करना है, और पिंक शेड भी नहीं रखना है इसको, ब्राउन लाइट, इतना ब्राउन हमें इसको करना है। और बड़ी जल्दी ये बन जाता है, बस जितना टाइम लगे प्याज करने में उतना ही होता है। मैरिनेशन आप जितनी देर तक रखेंगे चिकन उतनी जल्दी बन के रेडी होता है, ठीक है। अब ये प्याज को हम अच्छे से ब्राउन कर लेते हैं। यहाँ पे चिकन डल गया, प्याज हो गया था, तो चिकन डाल के भून रहे हैं, और साथ ही पालक की प्यूरी भी जाएगी। और हमें यही पानी यूज़ करना है, ज़्यादा नहीं यूज़ करना, उसको डाल के चम्मच वाला दो उसमें डाल के उसको भूनना है। और साइड में मैंने यहाँ पे चावल, मम्मी लोग आ गई हैं, भूनवा रहे हैं, नाश्ता निकाल रहे हैं। ओके, इसको डाल के हमें अच्छे से उसको भूनना है पूरा। क्या पानी अच्छा दे रहे हैं, मम्मी आ चुकी हैं, चिकन यहाँ पे अच्छे से भी भून रहा है, अभी उसको टाइम लगेगा भूनने में। और यहाँ पे चाय रख दिया है, चाय बन रही है अम्मी की अलग, बिना चीनी की शुगर फ्री चाय, और मेरी और रजा की चाय, अभी आप तब आए नहीं है, देखो कब आते हैं, टाइम लगेगा उनको आने में, टाइम लगेगा। तो यहाँ पे देखिए चिकन बन के बिल्कुल रेडी हो गया है, अभी ये गर्म है तो इसलिए थोड़ा वो है, अगर थोड़ा सा पतला लग रहा है उठाया नहीं। और यहाँ पे ये डन हो चुका है, और यहाँ पे मैंने डाल दिया है बघार के लिए चावल, नॉर्मली जैसे बॉईल करते हैं ना खड़े मसाले डाल के वैसे कर लिया, अब इसको इसमें शाही जीरे में तड़का लगा दूंगी, बस फ्राइड जीरा राइस रेडी। माँ से क्या रहे सोनू को फोन, यादव के साथ रह रहे वाह कौन है यादव, कोई फ्रेंड है क्या आपका, साइड पे है कोई यादव, धुंधला क्यों रहा है। तो शाम के 4 बज गए, खाना पीना अपना टाइम से हो गया था, और मैं अभी बना रही हूँ ये ढोकला शाम के लिए। और ये ढोकला मतलब ढोकले का चाट, ढोकले का चाट मैं बनाने जा रही हूँ, और ये काफ़ी ढोकला रख दिया, ये रेडी हो जाएगा, कुछ इसमें कुछ नहीं करना है, बस जैसे बनाना शुरू करेंगे फिर आपको दिखाऊंगी कैसा है। आपकी ये ब्लॉग आज का पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा चिकन की भी, और अभी जो ढोकला बनेगा चाट उसका उसका भी। और मेरे इससे पहले का वीडियो आपने देखा होगा जिसमें लखनऊ महोत्सव का, तो उसमें मैंने खाया था ढोकले का चाट, मैंने उनसे पूछा था, पूरा आपको वीडियो में एंड में दिखा होगा, तो वही मैं आज ट्राई कर रही हूँ, देखते घर में सबको कैसा लगता है। और हम अभी सो रहे हैं तो शांति है, और बाहर का मौसम आज तो धूप निकली हुई है, बंदर आया है भाई साहब, मंकी आया, मंकी बंदर घूम रहा है, बंदर घूम रहा है।
बन रहा है। आपकी गाड़ी का पूरा पोस्टमार्टम हो गया, कैसा लग रहा है आपको? कोई हम तो सदमे में आ गए हैं। कॉमेडी वीडियो तो ना बन रही है। बहुत बेकार लग रहा है, जाओ इतना ब्रांडो। पैसा लग और मैं टाइम से काम कीजिए तो गाड़ी का गया। नहीं यकीन ही नहीं हो रहा है ना कि इतनी जल्दी गाड़ी खुल गया, इंजन नहीं हो रहा। वो बहराई चले गए थे हम लोग ना, इस वजह से 4 घंटा में घिस गया। वो मिस्त्री है वो चाने का। कैसे बंद करेगा, एक आध पार्ट खोल दिया है तो कैसे सब डॉक्टर ने पेट फाड़ दिया तो कैसे किया। एक्स अभी भी ना, अभी सब लोग बैठ के आराम से बात कर रहे हैं, अभी सब लोग खाएंगे चाट चाय। अभी इतना पुराना हो चुका है, अभी 64 99 के मम्मी अगर अभी भी एक्स इतना नहीं है। एक लोग मोबाइल देखने में बिजी हैं दोनों भाई। कौन सा मोबाइल है, एप्पल? देखो आवाज आ रही है, मंकी आया हुआ है टंटना रहा है। तो ये नहीं था अगला बनके परफेक्ट, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा बनके रेडी हो गया है। बहुत अच्छा बना। अब इसको कैसे चाट में बनाना वो दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए ढोला, ये कटोरी में हम लोगों ने रख दिया है और यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन रेडी है। ये हरी धनी चटनी है, वो इमली की चटनी, और ये प्याज और धनिया, तो इस तरह से डालना है। कटोरी उठा के जल्दी से डालिए ना, चू जाएगा यार मम्मी। हाँ नहीं तो अभी देखना है कि आता कैसा सबको। तो ग्रीन चटनी डाल देंगे इसके ऊपर हम लोग, और उसके बाद हम लोग यहाँ इमली की मीठी चटनी डाल देना है, मतलब हरी चटनी मीठी चटनी, और ये जो प्याज और धनिया बारीक कटा वो डाल देना। और इसमें मेरे पास एक चीज़ नहीं है, सेब, तो आपके पास हो तो आप उसको भी डाल देना बस। तो रेडी है ढोकला चाट, अब देखेंगे सबका रिएक्शन। यहाँ आ गया है नहीं वो दिखा रहे नहीं उनका, आप लोग खिलाती हैं तो अरहम का कार्टून छुप जाता है, इसलिए आप लोग से नहीं खाता। मम्मा खिलाती तो बचा के खिलाती। यस बेबी, ये कार्टून हटाओ भाई, ये कार्टून हटा दो। ढोकला चाट अब जो है रिएक्शन सबका कवर करेंगे, कवर। आ गया मेरे बेटा का, आ गया मेरे लूलू सा बेटा का, पुच्चू कनुआ का। लो लो देखो अच्छा, अम्मी ने बोला अच्छा। ये धुंधला क्यों जा रहा है? हाँ तीखा है, तो मीठी डाल दे और सही है। खट्टा है यहाँ पे, ये छोटू बेबी अपना गेम देख रहा है। तो शाम हो गई, 6 बज रहे हैं, अम्मी चली गई 5:30 बजे, अम्मी चली गई, और यहाँ पे आप कॉफी बना रहे हैं। आज बेचारे की गाड़ी खराब हो गई, बहुत ज़्यादा दुखी है, जो तब तक एक आध राउंड बाहर रन लगा लिए होते हम लोग। अरे यार इनकी इनकी बसंती है। बसंती बीमार हो गई। आज बना रहे हैं कॉफ़ी, और ये आज का ये व्लॉग कैसा लगा अम्मी, और क्या लगती है? चॉकलेट खजूर और सऊदी का बिरयानी का मसाला, क्योंकि इंशाल्लाह मैं जल्दी उसको ट्राई करने वाली हूँ बिरयानी में। तो बस अभी हम लोग कॉफ़ी पियेंगे और क्या करेंगे, टीवी देखेंगे, आज है संडे तो कुछ जो भी आ रहा कपिल वपिल देखना है बस, और कुछ नहीं। और बस अभी दोनों रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ग्रीन चिकन और ढोकला की चाट, और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी, आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर जाके मुझे फॉलो करिएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्दी नए व्लॉग के साथ फिर से मैं नया व्लॉग अपलोड करूँगी कहीं अच्छा सा, ठीक है? और आफ्ताब आप कुछ कहना चाहेंगे, कुछ भी मेरे चैनल के लिए? अभी वो बहुत ही मन से कॉफी बना रहे हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स करिए। आपको जो भी चीज़ें, अगर आपको पूछनी हो, जो भी डिशें पूछनी हो, जो भी चीज़ें पूछनी हो, आप कमेंट में पूछिए, मेरी वाइफ आपको 100% बताएगी। बस मिलते, अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए।
आप ताओ घर पे और आराम घर पे रहे तो जगते रहे तो कुछ सन्नाटा रह नहीं सकता है। मम्मी पधार रही हैं। मम्मी आप कल कहाँ जाने वाली हैं? बक्शीतला आप कल जा रही हैं? कल कल लगने वाली है मुझे और डबल वैक्सीन कल लगवानी चाहेंगे। हाँ मम्मी और रजा ये तीन लोग जाने वाले हैं कल वैक्सीन लगवाने, तो देखते हैं क्या होता है सेकंड वैक्सीन लगवा के। अभी तो किसी को कुछ ऐसा सेकंड लगवा के कुछ हुआ नहीं, नॉर्मली है लोग, मतलब फीवर वगैरह नहीं आया है। अब कल हम लोग को लगवा के क्या होता है वो देखा जाएगा, बताऊंगी ज़रूर। छोटा सा ब्लॉग भले ही बने लेकिन बनाऊंगी ज़रूर। और अभी का आज का ये ब्लॉग कैसा लगा फिर से बोलिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनको तहे दिल से शुक्रिया, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिए। इंस्टाग्राम के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कीजिए, MX टकाटक पे मौज पे सब जगह। बस अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मौसम चेंज हो गया है तो कॉफ़ी चाय खूब पिए। और मैं भी जा रही हूँ कॉफ़ी पीने, बन गई ठीक है। अल्लाह हाफिज़।